हैं हिंग 24 टीवी। अलवर जिले के मांडड़ क्षेत्र के कुंतीना गांव में आजादीन फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान ग्रामीणों व सरपंच ने आजाद हिंद फौज में रहकर अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले वीर स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया और वीर शहीदों व सेनानियों अमर रहो के नारे लगाए गए। इस दौरान शहीद के परिजन भी शामिल हुए। सर, इस मतलब शहीदों के स्मारक पर आपने जो ये मालाएं अर्पित करी है, इसके लिए क्या करना? आज सुभाष चंद्र बोस जी की 150वीं जयंती है और भारत सरकार ने भी आज के दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की जो घोषणा की है, उसी के उपलक्ष्य में हमने हमारे ग्राम पंचायत कुतीना में आज़ाद हिंद फौज के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका भी हमने माल्यार्पण कर फूल अर्पित कर सभी ग्रामवासियों ने, और हमने ग्राम पंचायत की तरफ से शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने उनका सम्मान किया है, उनको माल्यार्पण किया है। और बड़े खुशी की बात है और बड़े गर्व की बात है कि ग्राम पंचायत कुतीना के अंदर आज़ाद हिंद फौज के 3-3 सैनिक हैं, हम स्वतंत्रता सेनानी हुए और बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि आज हम उनकी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर उनका सम्मान कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। जब हम स्कूल के अंदर पढ़ते थे तब ये कार्यक्रम होते थे, लेकिन जब होते हैं कार्यक्रम अभी भी, लेकिन हम स्कूल से दूर हो गए, कॉलेज से भी दूर हो गए, आज एक समाज सेवा में है। तो अब आज जो ये कार्यक्रम सरपंच साहब की तरफ से रखा गया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ सरपंच साहब को। एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम यहाँ रखा गया जिससे कि प्रेरणा मिलती है लोगों में, विद्यालय के छात्र भी बुलाए गए, प्रेरणा मिलती है कि भाई हमारे गाँव में भी लोगों को पता लगता है कि 300 स्वतंत्रता सेनानी थे और आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती, कई लोगों को पता भी नहीं था कि आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, लेकिन इस कार्यक्रम की वजह से कई लोगों को पता भी लगा है। हाँ, ये मालूम हो गया। हाँ जी, आज सुभाष चंद्र महा मानव कहें या महान योद्धा कहें, जिनकी बदौलत अपना देश आज़ाद हुआ, उनकी आज़ाद हिंद फौज में बड़ा गर्व होता है। मेरे गांव के भी 3 सैनिक जिन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाई, श्री शिवनारायण सिंह जी, श्री रोहतान सिंह जी और श्री जयनारायण सिंह जी, उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लेकर और देश को आज़ाद कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई, जिनमें श्री शिवनारायण सिंह जी काफ़ी शिक्षित होते हुए भी वो आज़ाद हिंद फौज में गए और उन्होंने देखा, विदेश में जाके भी देखा कि शिक्षा का बड़ा महत्व होता है और उन्हीं की बदौलत हमारे गांव में स्वतंत्र देश स्वतंत्र होने से पूर्व यहाँ मिडिल स्कूल की, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल की स्थापना हो पाई और वो हमारे शुरू में जो विद्यालय रहा है उसमें प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत रहे। मुझे सौभाग्य मिला बचपन में उनसे मिलने का, बैठने का, बताने का, और वो शिक्षित ही नहीं, उन विश्व के बारे में भी उनको बड़ी अच्छी जानकारियां थी, यहाँ तक कि जो विश्व का नक्शा था, हालांकि उनको बाद में दिखना कम हो गया था, लेकिन नक्शे के ऊपर उंगली रख के अग यहाँ सीख देख ये देश यहाँ होगा, और बड़ी सटीकता से उंगली रखते थे विश्व के मानचित्र पर। और शुरू में तो विद्यालय में नमस्कार, नमस्ते ये चीज़ें होती नहीं थी, जय हिंद का ही एक होता था, कक्षा खड़ी होती, जैसे शिक्षक क्लास में आता था, खड़ा होता था, एक ही सैल्यूट देकर पूरी क्लास जय हिंद बोलती थी। हमारे ये उपसरपंच साहब तो ये भी पढ़े थे और इन्होंने भी देखा होगा कि सब जय हिंद ही उस समय करते थे, 26 जनवरी 15 अगस्त को पूरे गांव में तिरंगे के साथ रैलियां निकलती थी और बड़ी भव्यता से 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाई जाती थी। हम इस अवसर पर सुभाष चंद्र बोस जी के साथ साथ हमारे गांव के जो महान स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं इन्हें पुनः नमन करते हैं। धन्यवाद। इस अवसर पर सभी ग्रामवासियों को बड़ी खुशी है जो कि यहाँ पहली दफ़ा इन सरपंच साहब ने जो है ये प्रोग्राम रखा, तो पूरे गांव में बहुत खुशी मनाई गई है और सभी जो लोगों को पता लग गया कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। जय हिंद, जय भारत।